hard to breathe, but that's alright. लगता है। ओह,
बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। क्या डॉक्टर है? क्या बोलना क्या चाहते हो तुम सुगा? हाँ, तुम स्कूल टाइम से उस लड़के के साथ घूम रही थी। मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा था, बट अब समझ रहा हूँ। मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना, और उस डॉक्टर के साथ रहना चाहती हो। सही कहा ना मैंने? तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है? मैं कितना स्टूपिड था ना जिमिना, मैं तुम्हारे पीछे टाइम खराब कर रहा था। और नीट भी क्लियर नहीं हुआ, बट तुम हो, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। हाँ, तुम सही बोल रही थी। तुम जैसी लड़की ना हमेशा धोखा ही देती है। वो कभी अच्छी नहीं हो सकती है, वो किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकती है, और जो तुम्हारे साथ रहेगा उसका कैरियर खत्म ही हो जाएगा ना। तुम्हारी जैसी बकवास लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ओके, तुम्हें जो समझना है समझो। और रहा चिहोक के बारे में, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर इतना दम है तो तुम भी चिहोक की तरह डॉक्टर बन जाओ और बन के दिखा दो मुझे, और हमेशा मुझे नफरत ही करना। ओके बाय। नफरत? तुम तो नफरत के लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हें नफरत क्यों करूँ? हाँ थैंक यू, मुझे भूल जाना। गुड बाय। फिर जिमिना वहाँ से चली जाती है। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों मैं बाकी न रहा। हेलो सर, क्या आप इनके लवर हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। एक्चुअली एक एक्सीडेंट केस है और उनके फोन में लास्ट कॉल अभी को ही गया था, इसलिए हमने आपको ही कॉल कर दिया। जिमिना, जिमिना को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? सर आप हॉस्पिटल आ जाइए और उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। प्लीज तो रो मत बेटा, वो ठीक हो जाएगी। ये सब क्या हो गया मेरे जिमिना के साथ? और कितना एग्जाम लोगे गॉड? बचपन से ही वो लड़की अपने मम्मी पापा को खोया, और उसके बाद ऊपर से उसकी बीमारी, और अभी ये एक्सीडेंट। आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो किसी का क्या बिगाड़ा था? उसके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गॉड? सॉरी, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बता नहीं सकते वो जिंदा रहेंगी या नहीं। पर जिमिना को क्या हुआ है डॉक्टर? उनको ब्रेन ट्यूमर है, ऊपर से इस एक्सीडेंट की वजह से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। इतना कॉम्प्लिकेशन है उनके बॉडी में, हम कैसे उन्हें बचाएं? क्या जिमिना को ब्रेन ट्यूमर है? क्या आपको पता नहीं था उनको ब्रेन ट्यूमर है? नहीं डॉक्टर, हमें पता है। ओके डोंट वरी, हम ट्राई कर रहे हैं उन्हें ठीक करने के लिए। आप गॉड से प्रे कीजिए वो जल्दी ठीक हो जाए। पापा, क्या आपको जिमिना के ब्रेन ट्यूमर के बारे में सच में पता था? बोलिए ना पापा, आप चुप क्यों हैं? आपको पता था जिमिना के ब्रेन ट्यूमर के बारे में? हाँ, जिमिना को बचपन से ही ब्रेन ट्यूमर है, और वो इसके लिए मेडिसिन भी लेती थी, पर ये सब एक्सीडेंट होगा मुझे पता नहीं था, और वो मेडिसिन लेके ठीक भी हो रही। और आप मुझे ये बात अब बोल रहे हैं? शुगा, वो ठीक हो जाएगी, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वो ठीक हो जाएगी। फिर ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर, जिमिना ठीक है ना? उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? हाँ, वो बच तो गई, पर वो पैरालाइज हो गई है, वो चल फिर नहीं सकती। क्या जिमिना पैरालाइज हो गई है? हाँ, ब्रेन में ब्लड क्लट होने से इंसान पैरालाइज हो जाता है। और उसका जो ट्यूमर था वो ठीक हो गया ना? हम ऑपरेशन करके उनके ट्यूमर हटा तो दिए हैं, पर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा हमें पता नहीं है।
शुगा, अब जिमिना को तेरी बहुत जरूरत है और तू अभी बोल रहा है कि उसे छोड़ के चला जाएगा। सॉरी मम्मी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे ठीक करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ तुम कर सकते हो शुगा, वो ठीक हो जाएगी, तुम्हारे प्यार की वजह से वो ठीक हो जाएगी, तुम कर सकते हो शुगा, हिम्मत मत हारो शुगा। फिर शुगा हर दिन जिमिना का अच्छे से ख्याल रखता है, उसे खाना खिलाता है, उसके छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान रखता है। उसके साथ साथ शुगा अपने नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा था। जिमिना तुम्हें पता है मेरा नीट क्लियर हो गया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ तुम मेरे पास हो, पर मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। तुम कब ठीक होगे जिमिना, जल्दी ठीक हो जाओ ना, आई मिस यू जिमिना। शुगा हाँ जिमिना बोलो, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम बात कर सकती हो अच्छे से? बात करो मुझसे, क्या बोलना चाहती हो जिमिना बताओ। शुगा तुम मेरे पास क्यों हो, चले जाओ यहाँ से, तुम चुप करो जिमिना, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। आई लव यू जिमिना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम मुझे डांटो मारो या कुछ भी करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा जिमिना। आई लव यू जिमिना, और तुम चुप करो और रेस्ट करो। शुगा तुम मेरे जैसे एक अंधी लड़की के साथ क्यों रहना चाहते हो, मुझसे तुम दूर क्यों नहीं हो जाते? मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरे जैसे ऐसे पर्सन के साथ तुम रहो, प्लीज मुझे छोड़ के चले जाओ। क्या, किसने कहा कि तुम अंधी हो? तुम तो बहुत कुछ देख सकती हो, तुम कुछ ना देख के भी मेरे दिल की बातों को जान सकती हो, इससे ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं चाहिए। ओके तुम ज्यादा सोचना बंद करो, और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम नॉर्मल लाइफ में हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे तुम अंधी हो या तुम्हारा एक पैर ना हो या तुम्हारा एक हाथ ना हो या तुम्हारा एक सर भी ना हो, मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। शुगा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में बोल रही हूँ, सीरियस होके बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम ऐसे हमेशा मेरा केयर करते रहते हो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ कहीं दूर। जिमिना तुम्हें मेरा कसम है, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, तो क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह अंधा हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाते? नहीं ना, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? पर सुखा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें अच्छे लगने वाली क्या बात है जिमिना, सब कुछ तो नॉर्मल है, हम नॉर्मल लाइफ में है, पापा मम्मी का शादी हो चुका है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मेरे आँखों से दुनिया को देखो ना, और कुछ दिन के बाद हमें आई डोनट मिल जाएगा तो तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा, इसके लिए हम दोनों अलग क्यों हो जाए? प्लीज जिमिना ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव यू जिमिना, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम बहुत जल्दी इस दुनिया को अच्छे से देख पाओगी, डोंट वरी। तुम समझ नहीं रहे हो सुखा, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबके ऊपर एक बर्डन हूँ जो आप लोग जबरदस्ती अपने ऊपर लेके आए हैं, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पर आप लोग हमेशा मेरा केयर करते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके जिमिना जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम हमारे लिए काम करना और हम सब हाथ पैर उठा के बैठ जाएंगे। ओके डन, और इसके आगे इस बारे में कोई बात नहीं होगा। ओके आई लव यू जिमिना, पर सुखा तुम ये सब इतने लाइटली कैसे ले सकते? हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आपको ये पार्ट कैसा लगा